हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी योगेश रहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। आज हम आपके लिए किस चीज़ पर वीडियो लेके आए हैं दोस्तों? आज की वीडियो है हमारी जीएसटी ऑडिट्स पे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जीएसटी ऑडिट तो अब खत्म हो गया है, सब कुछ टैक्स पेयर ने अपने आप ही करना है, जीएसटी या 9C भी अब सेल्फ सर्टिफाइड जाने हैं, तो जीएसटी ऑडिट पे आप अब वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, जीएसटी लॉ में जीएसटी ऑडिट सिर्फ 35(5) सेक्शन के अंदर जीएसटी या 9C वाला ही नहीं होता था। जीएसटी ऑडिट टू टाइप से जीएसटी लॉ में और होता था। एक जीएसटी ऑडिट होता है जीएसटी ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, और सेकंड जीएसटी ऑडिट होता है स्पेशल ऑडिट। आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीजों की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन हाउ डिपार्टमेंट कंडक्ट्स जीएसटी ऑडिट। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट अपनी जीएसटी ऑडिट कैसे करता है। अगर उसे किसी टैक्स पेयर के पास मिलता है कि उसने कोई टैक्स नहीं दिया है या ITC ज्यादा ले लिया है, ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट कैसे जीएसटी ऑडिट करेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट टू टाइप से होती है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, या तो टैक्स अथॉरिटीज खुद ही ऑडिट करती हैं, जो कि सेक्शन 65 और रूल 101 के हिसाब से होता है, और एक होता है स्पेशल ऑडिट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जिन्हें कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स डायरेक्ट करते हैं किसी टैक्स पेयर की ऑडिट करने के लिए। जो स्पेशल ऑडिट होती है वो सेक्शन 66 और रूल 102 के हिसाब से होती है। अगर हम ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में देखें तो उसमें बोला गया है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर किसी भी टैक्स पेयर की ऑडिट लगाएगा तो ऑडिट लगाने से 15 दिन पहले उसे नोटिस देगा। मींस जिस दिन भी उसने अपनी ऑडिट स्टार्ट करनी है उसे 15 डेज पहले आपके पास एक नोटिस आएगा, जिस नोटिस को देख के आपको ये पता लग गया कि आपकी टैक्स अथॉरिटी ने एक ऑडिट लगाई है। उस ऑडिट का कौन से फॉर्म में नोटिस आएगा? फॉर्म ADT 01 में। ये ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का नहीं है, जो हम सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट में देखते हैं। ये फॉर्म ADT 1 है, जब टैक्स अथॉरिटीज आपका ऑडिट लगाती हैं तो आपको बताने के लिए 15 दिन पहले आपको ADT 1 में इंटीमेशन देती हैं। आपके पास ADT 1 आएगा जिसमें लिखा होगा आपके कौन से फाइनेंशियल ईयर की या ईयर्स की या पार्ट की टैक्स अथॉरिटी ने ऑडिट लगाई है। क्या वो ऑडिट ऑफिसर के प्लेस पे की जाएगी या आपके प्लेस पे की जाएगी? मींस ADT 1 में लिखा होगा कि क्या ऑडिट टीम आपकी फैक्ट्री प्रीमिसेस में, आपकी बिजनेस प्रीमिसेस में विजिट करेगी, या वो ऑडिट टीम आपको अपने पास बुलाएगी आपकी ऑडिट करने के लिए। उसमें आपको एक लिस्ट भी दी जाएगी कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रेडिली अवेलेबल रखने हैं अपने पास, जो ऑडिट के टाइम उनके काम आएंगे। सो 15 दिन पहले आपको यह पता लगेगा आपकी ऑडिट होनी है, ADT 1 में नोटिस आएगा, उसमें बताया जाएगा आपको कि आपके प्लेस पे ऑडिट होगी या फिर डिपार्टमेंटल प्लेस पे ऑडिट होगी। उस ऑडिट को डिपार्टमेंट कंप्लीट करेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट उस डेट से माना जाएगा जिस दिन आपने पहला डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास सबमिट किया। सो फ्रॉम द डे जब आपने अपना पहला डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास सबमिट किया, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी ऑडिट को क्लोज करना है। क्या ऑडिट के क्लोजर पे आपको पता लगेगा कि आपकी ऑडिट क्लोज हो गई है? यस, जैसे ADT 1 में आपके पास नोटिस आया था ऑडिट का, ऐसे आपको डिपार्टमेंट ऑडिट कंप्लीट होने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट देगा जो कि फॉर्म ADT 2 में दी जाएगी। तो आप समझ सकते होंगे कि टैक्स अथॉरिटीज जब आपकी ऑडिट करती हैं तो ADT 1 का नोटिस देके ADT 2 में ऑडिट रिपोर्ट देती हैं। स्पेशल ऑडिट में क्या होता है? ऑफिसर्स डायरेक्ट करते हैं टैक्स पेयर को कि आपकी स्पेशल ऑडिट की जा रही है, उसके लिए ADT 3 का नोटिस दिया जाता है। ADT 3 के नोटिस में टैक्स पेयर को यह बताया जाता है कि आपकी स्पेशल ऑडिट होने वाली है और दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म आपकी स्पेशल ऑडिट करेगी। उसमें CA और CMA को डायरेक्ट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। उस CA या CMA को अपनी रिपोर्ट को ऑफिसर को सबमिट करना होता है 90 डेज में। तो आप देख सकते हैं जब टैक्स अथॉरिटीज खुद ऑडिट करती हैं तो उनके पास 3 मंथ्स का टाइम है कि 3 महीने में उन्हें अपनी ऑडिट कंक्लूड करके ADT 2 देना है। और जब हम स्पेशल ऑडिट की बात करते हैं तो उस केस के अंदर CA CMA ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है विद इन 90 डेज में। जो फाइंडिंग्स स्पेशल ऑडिट में CA CMA निकाल के देता है वो ADT 4 फॉर्म के अंदर टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करता है कमिश्नर। सो आप देख सकते हैं ADT 1 और ADT 2 फॉर्म्स हैं, वो हैं ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के। स्पेशल ऑडिट बाय CA CMA के फॉर्म्स हैं ADT 3 एंड ADT 4।
होप दोस्तों आपको ये पता लगा होगा कि टैक्स अथॉरिटीज और सीएससीएमए जब स्पेशल ऑडिट करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज भी जीएसटी लॉ में ऑडिट्स खत्म नहीं हुई हैं। सो जब आपकी ऑडिट कंप्लीट होगी तो टैक्स पेयर को एक चांस दिया जाएगा कि वो अपना ड्यू टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दे। अगर ऑडिट टीम को ये लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है तो उस केस के अंदर तो पीनल प्रोविजन की बात भी आएगी। अगर फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल टैक्स रिकवरी का केस है, तो उस केस के अंदर टैक्स और इंटरेस्ट के लिए उनको बोला जाएगा और पेनल्टी उनकी वेव कर दी जाएगी। अब आप पेनल्टी वेवर आपको डिपार्टमेंट सीधा सीधा नहीं देता है, आपसे एक इम्यूनिटी का लेटर लेता है वो। उसमें आप लिख के देते हो कि आपकी पेनल्टी इम्यून कर दी जाए क्योंकि आप उनके द्वारा निकाला गया टैक्स और इंटरेस्ट पे करने वाले हो। अब आपको जो टैक्स और इंटरेस्ट पे करना है वो आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में पे नहीं करना है, वो केस होगा वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स का। क्योंकि आप देखिए, जब तक आपकी जीएसटी ऑडिट चल रही है तब तक आपको कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया गया है, ऐसे केसेस सब वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स में आएंगे। सो ऐसे केसेस में पेमेंट आप करेंगे DRC 03 की एप्लीकेशन फाइल करके, और जितनी भी पेमेंट होगी वो कैश लेजर से होगी। मींस स्पेशल ऑडिट और ऑडिट में अगर मैं कोई भी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूं और उसको पे कर देता हूं शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही, तो ऐसे केसेस में मैं अपनी पेनल्टी बचा सकता हूं और अपना पेनल्टी बचा के सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट के जरिए ही अपनी लायबिलिटी को क्लोज कर सकता हूं। अब जो ऑडिट की जाती है ADT 1, ADT 2, ADT 3, ADT 4, ये तो फॉर्म्स हैं जो लॉ में बताए गए सेक्शन 65 में, 66 में, रेड बी रूल 101 एंड 102। लेकिन डिपार्टमेंट ऑडिट कंडक्ट कैसे करेगा? हो सकता है आपकी ऑडिट पंजाब में लगी है तो कमिश्नर अपने वे से ऑडिट करे, आपकी ऑडिट यूपी में लगी है तो वो अपने वे से करे, कर्नाटका में लगी है तो अपने वे से करे। तो CBIC ने एक GST ऑडिट मैनुअल इशू किया था 2019 में, जिससे कि ऑडिट के पर्पस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जहां भी ऑडिट हो एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑडिट हो, कभी भी आपको अगर किसी क्लाइंट की ऑडिट लगती है आपके, तो आप जीएसटी ऑडिट मैनुअल को जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि डिपार्टमेंट नेक्स्ट स्टेप अप क्या लेने वाला है। सो CBIC हैज इशूड अ जीएसटी ऑडिट मैनुअल नोन एज GST AM 2019 टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू ऑफिसर्स टू कंडक्ट द जीएसटी ऑडिट। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस की इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, काफी प्रोफेशनल से हमने पूछा कि क्या डिपार्टमेंट जो ऑडिट कंडक्ट करता है वो क्या हमेशा एक साल का ही नोटिस देता है, या साल से कम का भी नोटिस दे सकता है, या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर की एक साथ भी ऑडिट लगा सकता है। ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अगर ऑडिट लगा रहा है आपकी 17-18 की, तो वो 17-18 और 18-19 की भी लगा सकता है, 17-18, 18-19 और 19-20 की सभी का नोटिस आपको एक साथ भी दे सकता है, ताकि वो 2 या 3 सालों की ऑडिट इकट्ठी कंक्लूड कर सके। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई ऑडिट का नोटिस आएगा तो वो हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स या पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट अप टू विच नोटिस ऑफ जीएसटी ऑडिट कैन बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू एनी फाइनेंशियल ईयर। यहां बात हो रही है लिमिटेशन पीरियड की। क्या 2017-18 जब जुलाई 2017 पे जीएसटी आया, तो क्या जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का जीएसटी ऑडिट का नोटिस अब दिया जा सकता है? काफी प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि क्या मैं अपने 17-18 फाइनेंशियल ईयर को अब क्लोज मान लूं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सेक्शन 73 जो शो कॉज नोटिस का सेक्शन है, और सेक्शन 74 जो फ्रॉड के केस में शो कॉज नोटिस का सेक्शन है, उसमें अगर आप शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट देखेंगे, तो बोला गया है 73 नॉन फ्रॉड केसेस के अंदर कि आपको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और अगर हम फ्रॉड के केस में बात करें तो यह टाइम लिमिट 5 साल तक हो जाती है। मींस फ्रॉड के केस में आपको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। इट मींस 2017-18 की एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी 5th February एंड 7th February 2020। इट मींस अगर नॉन फ्रॉड का केस है तो उस केस में आपको शो कॉज नोटिस February 2023 तक दिया जा सकता है, और अगर फ्रॉड का केस है तो February 2025 तक दिया जा सकता है।
तो शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पहले कभी भी आपकी जीएसटी ऑडिट लगाई जा सकती है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि एज ऑन टुडे हमारी किसी भी ईयर की जीएसटी ऑडिट लग सकती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2017-18 एक्सपायर हो चुका है लिमिटेशन पीरियड से। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, सभी फाइनेंशियल ईयर्स की जीएसटी ऑडिट अभी ओपन है जो डिपार्टमेंट लगा सकता है आपके पास। सो आपको 3 साल और 5 साल का पीरियड ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट एज पर जीएसटी ऑडिट मैनुअल 2019। आपकी जीएसटी ऑडिट लगी, डिपार्टमेंट की कुछ टीम आपके यहां पे आई, क्या वो आपके पास 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने ऑडिट करते रहेंगे या उनको कुछ टाइम लिमिट भी सजेस्ट किया गया है कि आपको इतने टाइम में अपनी ऑडिट को कंप्लीट करना है। सो अब देखिए, ऑल्दो द पीरियड ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म ADD 2, जो मैंने आपको पहले बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, लेकिन उन्हें टाइम लिमिट बताया गया है कि कितने टाइम में उन्हें अपनी ऑडिट को कंप्लीट करना है। तो यहां बताया गया है अगर लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उस केस के अंदर 6 to 8 working days में उन्हें अपनी ऑडिट कंप्लीट करनी है। मीडियम में वो टाइम लिमिट 4 to 6 working days का हो जाएगा और स्मॉल टैक्स पेयर के केस में 2 to 4 working days का होगा। मींस अगर एक फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट लगी है तो 6 से 8 दिन, 4 से 6 दिन या 2 से 4 दिन टाइम मिलेगा उन्हें अपनी ऑडिट को कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5-2 महीने से ऑडिट आपके प्रोविंसेस पे चली आ रही है, उन्हें अपनी ऑडिट को एक टाइम पे क्लोज करना पड़ेगा। अगर ऑडिट 1 साल से ज्यादा की है, जो मैंने अभी आपको टाइम लिमिट बताई वो 1 साल तक की टाइम लिमिट है, अगर 1 साल से ज्यादा की ऑडिट है तो जितने भी साल जुड़ते जा रहे हैं ऊपर वाली टाइम लिमिट में 25% का इंक्रीज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग पार्ट तो सेम होगा, ओनली एग्जीक्यूशन पार्ट की बात आएगी, वो भी जो केसेस हमें मिलेंगे एरर्स के, मींस जो जीएसटी डिपार्टमेंट को एरर के केसेस मिलेंगे वो सभी ईयर्स में सिमिलर ही होंगे मेजॉरिटी केसेस में। इसलिए एक फाइनेंशियल ईयर और अगर जुड़ता है तो सिर्फ 25% का टाइम ही जुड़ेगा। सो आप ध्यान रखिए, आपके पास ऑडिट बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप अपनी जब भी लायबिलिटी को एडमिट करें तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर लें कि क्या आपने उस पर टैक्स कंप्लीट दे तो नहीं दिया है या वो चीज कहीं एग्जेम्प्ट तो नहीं है। कहीं भी अगर डिपार्टमेंट से आपके पास रिकवरी होती है ऑडिट के केस में तो आपने ये ध्यान रखना है कि उनको आपने बताना है कि सर इस केस में टैक्स नहीं बनता है इसलिए हमने टैक्स नहीं दिया है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा कि आपका टैक्स नहीं बनता था या आपको ITC मिलना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एनी डॉक्यूमेंट लिस्ट इज देयर विच विल बी चेक्ड बाय जीएसटी ऑडिटर्स इन पर्टिकुलर। सो जो जीएसटी का ऑडिट मैनुअल है उसमें इंटरनल कंट्रोल की चेकलिस्ट भी दी हुई है, उसमें एक डिटेल्ड क्वेश्चनियर भी दिया हुआ है जिस क्वेश्चनियर को लेके डिपार्टमेंट आपकी कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट को स्कैन करेगा और स्कैन करके ये बताएगा कि कहां कहां पे दिक्कत हो सकती है। इट मींस आप अगर अपनी ऑडिट के अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट कराना चाहते हैं तो आप पहले ही जीएसटी ऑडिट मैनुअल में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की लिस्ट है और क्वेश्चन ईयर है उसको ब्रॉडली बेसिस पे देख लीजिए ताकि आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैंडी फॉर्म में हो। क्योंकि एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, चाहे आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, लेकिन डिपार्टमेंट को अगर आप टाइमली इंफॉर्मेशन देंगे तभी डिपार्टमेंट आपके साथ कोऑपरेट करेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको 15 डेज दिए गए हैं तो आप कोशिश कीजिए 10 दिन के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए, डिपार्टमेंट को चेकिंग करने में ईजी होगा, इसलिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द ऑडिट्स आर टेकन अप। ऑडिट कैसे पता लगता है कि ए लिमिटेड की ऑडिट होनी है और बी लिमिटेड की ऑडिट नहीं होनी है? ऑडिट को लगाया कैसे जाता है? क्या इसका कोई प्रोसेस है हमारे पास या डिपार्टमेंट की अपने आप जिसकी इच्छा करेगी उसकी ऑडिट लगा देगा? व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट इन कंडक्टिंग ऑडिट? सो जीएसटी ऑडिट मैनुअल में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिस एक पेज के फ्लो चार्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑडिट की कंप्लीट सिस्टम कैसे चलता है। मींस सिलेक्शन ऑफ यूनिट फॉर ऑडिट से लेके कंप्लीशन ऑफ ऑडिट तक कंप्लीट सिस्टम कैसे चलता है, वो फ्लो चार्ट की मैं अब आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। अगर हम देखें तो डायरेक्टर जनरल ऑडिट का जो ऑफिस है उसमें हर टैक्स पेयर का रिस्क असेसमेंट होता है कि कौन सा टैक्स पेयर ज्यादा रिस्की है। सभी टैक्स पेयर को अपना रिस्क स्कोर दिया जाता है कि आप ज्यादा रिस्की टैक्स पेयर हैं या कम रिस्की टैक्स पेयर हैं। आप देखिए, जो जितना ज्यादा रिस्की टैक्स पेयर होगा, मींस जिसके अंदर GSTR 1/3B में,
2B, 3B में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस निकल के आएंगे, ऐसे केसेस में ऑडिट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए आपको अपनी GSTR 1 और 3B दोनों ही एप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली फाइल करनी चाहिए। सबसे पहले DG ऑडिट ऑफिस रिस्क असेसमेंट करेगा टैक्स पेयर्स की और उनको एक रिस्क स्कोर प्रोवाइड करेगा। रिस्क स्कोर प्रोवाइड करने के बाद जिनका रिस्क ज़्यादा होगा उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा ऑडिट के लिए। मींस जिन भी टैक्स पेयर्स का लगता है कि ये रिस्की टैक्स पेयर्स हैं उनकी ऑडिट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जब उनकी ऑडिट को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद उन कंपनीज की लिस्टिंग को, उन एंटिटीज की लिस्टिंग को ऑडिट कमिश्नरेट को दिया जाएगा। आप कमिश्नरेट तो बहुत सारे होंगे, इसलिए पहले उस लिस्ट की CDR मैपिंग की जाएगी। ये CDR मैपिंग क्या है? CDR मैपिंग मींस उनकी कमिश्नरेट डिवीजन एंड रेंज। CDR मींस कमिश्नरेट डिवीजन एंड रेंज, उसकी मैपिंग की जाएगी और उसके बाद जिस रेंज से, जिस कमिश्नरेट से वो लिंक है उन्हें ये लिस्ट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डीजी ऑडिट सर्कल का काम खत्म हो गया। डीजी ऑडिट सर्कल ने ये बताया कि ऑडिट किस किस एंटिटी की लगनी है। अब ऑडिट कमिश्नरेट के बाद लिस्ट आई और ऑडिट कमिश्नरेट ने उस लिस्ट को देख के ट्रांसफर कर दिया आगे असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सर्कल, मींस ACDC सर्कल को ट्रांसफर कर दी वो लिस्ट। अब ACDC सर्कल लीडर है और उसके मेंबर कौन होंगे? सुपरिटेंडेंट। सो ACDC सर्कल के पास जब ऑडिट की लिस्ट आएगी तो उस ऑडिट की लिस्ट को वो आगे ट्रांसफर कर देगा सुपरिटेंडेंट ग्रुप के पास। अब सुपरिटेंडेंट ग्रुप को पता लग गया ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड इनकी ऑडिट होनी है, तो सुपरिटेंडेंट ग्रुप देखेगा किसकी ऑडिट मुझे पहले करनी है और किसकी ऑडिट बाद में करनी है, लेकिन ऑडिट तो मुझे करनी ही है। सो सुपरिटेंडेंट ग्रुप करेगा सिलेक्ट अ यूनिट फ्रॉम द लिस्ट फॉर ऑडिट। सो ऑडिट केस को सिस्टम में क्रिएट करेगा कि मैंने ए लिमिटेड की ऑडिट लगा दी है। जैसे वो ए लिमिटेड की ऑडिट लगाएगा, मैंने आपको पहले बताया रूल 101 और सेक्शन 65 में ये बोलता है कि हमें 15 दिन पहले ADT 1 के अंदर इंटीमेशन देनी है, नोटिस इंटीमेशन देनी है टैक्स पेयर को। सो वो एक इंटीमेशन सेंड करेगा यूनिट को ADT 1 में कि हम आपका ऑडिट करने वाले हैं, हमारे पास लिस्ट में आपका नाम आया है और सेक्शन 65 के हिसाब से हम आपकी ऑडिट करने वाले हैं। उसके बाद वो अपनी ऑडिट एक्टिविटी स्टार्ट करेगा जिसमें कि वो अपने वर्किंग पेपर कंप्लीट करेगा, डेस्क रिव्यू करेगा। अब ये डेस्क रिव्यू क्या है आप बहुत सुनेंगे, जब भी आप GST की ऑडिट करवाएंगे किसी डिपार्टमेंटल ऑफिसर को तो बताएगा ये चीज डेस्क रिव्यू में पकड़ के आई है, इस चीज को हमने डेस्क रिव्यू में पकड़ा है। तो जैसे आप SA 315 में देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, जैसे आप ऑडिट प्लानिंग में देखते हैं कि आपको ऑडिट एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे सुपरिटेंडेंट ग्रुप भी डेस्क रिव्यू में यही सब करेगा। वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एंटिटी बिजनेस क्या करती है, एंटिटी के कौन कौन से इनकम सोर्स हैं, एंटिटी के एक्सपेंसिव सोर्स कितने हैं, एंटिटी की GSTR 1, 3B सबको वो रिव्यू करेगा डेस्क रिव्यू में। सो अपने वर्किंग पेपर कंप्लीट करेगा, डेस्क रिव्यू करेगा और रेशियोज निकाल के देखेगा। उसके बाद सिस्टम में से उसको असेसी मास्टर फाइल मिलेगी। उसको असेसी मास्टर फाइल से वो ये पता लगा पाएगा कि इस असेसी की क्या क्या रेशोज हैं टोटल और कौन कौन से अमाउंट्स के अंदर दिक्कत हो सकती है। ये सब होने के बाद जब वो अपनी ऑडिट कर लेगा आपके यहाँ पे, ऑडिट करने के बाद सीधा सीधा आपको ADT 2 नहीं देगा, वो सबसे पहले वो आपको ADT 1A देगा। ADT 1A इज ऑडिट मेमो। अब उसने ऑडिट कर ली, उसने आपके 15 इश्यूज निकाल लिए, 15 इशू में से हो सकता है 5 इशूज ऐसे हों जो कि आप साथ साथ ही क्लोज कर दो, इसलिए सीधा ऑडिट रिपोर्ट देने का तो कोई तुक नहीं है। तो सब डिपार्टमेंटल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, इसके बाद आपको 1A के अंदर इंटीमेशन देगा, ऑडिट मेमो देगा आपको जिसमें बताएगा कि मुझे ये 15 फाइंडिंग्स आपके यहाँ से मिली हैं। आप ADT 1B के अंदर अपनी ऑब्जेक्शंस और अपना रिप्लाई दे सकते हैं। मान लीजिए 5 पॉइंट आपको लगते हैं जिसके अंदर आपका इशू नहीं बनता है, उस केस के अंदर आप रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट और केस लॉज लगा के उनको बता दीजिए कि इन पॉइंट्स पे टैक्स देना नहीं बनता है और बाकी केसेस अपने एग्री कर लीजिए कि इस पे हम टैक्स देने के लिए एग्रीड हैं। जैसे आपको ADT 1A और 1B कंप्लीट होगा, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सीधा सीधा फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ADT 2 की नहीं बनेगी, ADT 2 की उसके बाद ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अपडेट ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म ऑफ पैराज क्रिएटेड फॉर ईच फाइंडिंग्स ऑब्जेक्शंस।
रिकॉर्ड स्टेटस ऑफ ईच पैसा, सभी पैसा के बारे में लिखो कि क्या आपको पैसा रियलाइज हो गया है, क्या अभी रियलाइज होना बाकी है, क्या टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। सो अपडेट ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट करने के बाद उस ऑडिट रिपोर्ट को कहां लेके जाया जाएगा, मॉनिटरी कमिटी मीटिंग में। आपको सुपरिटेंडेंट सीधा सीधा खुद ही नहीं बता देगा कि ये वाले 15 इशू या ये वाले 10 इशूज निकल के आए थे जिसके ऊपर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट बॉस से चेक करवानी पड़ेगी। तो सुपरिटेंडेंट ग्रुप क्या करेगा, एसीडीसी सर्कल के पास उस ऑडिट रिपोर्ट को भेजेगा। उस ऑडिट रिपोर्ट को सबसे पहले एसीडीसी रिव्यू करके अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ऑडिट कमिश्नरेट की जो मीटिंग होती है, मॉनिटरिंग कमिटी मीटिंग, जो मॉनिटर करती है कंप्लीट ऑडिट को, सो वो क्या करेगी, जो एमसीएम की मीटिंग होगी, एमसीएम की मीटिंग के अंदर एसीडीसी सर्कल ऑडिट कमिश्नरेट के सामने वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा कि इस रिपोर्ट में हमने 10 पॉइंट उनसे डिमांड किए हैं, इन 10 पॉइंट में से 7 पॉइंट पे एसएससी एग्रीड है, लेकिन 3 पॉइंट पे टैक्स पेयर ने हमें पेमेंट नहीं दी है। तो उन 3 पॉइंट पे ऑडिट कमिश्नरेट ये भी कह सकता है कि अपनी रिकवरी करो, या ये भी बोल सकता है कि इन पॉइंट्स को क्लोज कर दो क्योंकि ये पॉइंट लिटिगेटिव पॉइंट है। सो ऐसे 3 केसेस जो बच जाएंगे, अगर तो क्लोज कर दिए तो ऑडिट रिपोर्ट में 7 ही पॉइंट जाके एडीटी 2 टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा। अगर वो 3 पॉइंट पे भी टैक्स देना बनता था और टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं दिया है, तो ऐसे केस के अंदर बोला जाएगा ऑडिट टीम को कि आप एक ड्राफ्ट शो कॉज नोटिस बना के कमिश्नर को दो, इनके जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर है उन्हें दो, ताकि वो इन 3 पॉइंट्स की रिकवरी शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद करेंगे। सो जब एमसीएम अप्रूव कर देगी उस ऑडिट रिपोर्ट को, वो ऑडिट रिपोर्ट टैक्स पेयर को दे दी जाएगी। अगर उस ऑडिट रिपोर्ट के सभी पैराग्राफ्स पे टैक्स पेयर ने टैक्स दे दिया है तो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर टैक्स नहीं दिया है तो ऐसे केसेस के अंदर जो जो पैराज ओपन होंगे उनसे रिलेटेड आपके पास शो कॉज नोटिस आ सकता है। सो आप देख सकते हैं कि ऑडिट सिलेक्ट करता है डीजी ऑडिट, और सुपरिटेंडेंट ग्रुप का काम है एग्जीक्यूशन का। अगर हम बात करें ऑडिट कमिश्नरेट का काम है मीटिंग के अंदर उसको डिस्कस करके अप्रूव करना, और एसीडीसी जैसा मैंने पहले बताया वो लीडर है सुपरिटेंडेंट ग्रुप का। सो दोस्तों ये कंप्लीट डिस्कशन जो मैंने आपको बताई ये डिपार्टमेंटल ऑडिट से रिलेटेड है। स्पेशल ऑडिट के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स वैसे ही ऑडिट करते हैं जैसे आप ऑडिट करते हैं। सो डिपार्टमेंट जब अपनी ऑडिट करता है तो सिर्फ जीएसटी एएम के हिसाब से ही करता है। तो जब भी आपकी असेसी की, टैक्स पेयर की या क्लाइंट की ऑडिट लगे, सो आप जीएसटी ऑडिट मैनुअल पे पक्का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा मेरा, क्योंकि काफी प्रोफेशनल्स हमसे ये पूछते हैं कि जीएसटी ऑडिट तो खत्म हो गई है लेकिन आप इन जीएसटी ऑडिट को कैसे करवाएंगे, इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।